नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने ये खीरे की जो बेल, इस पर कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था खीरे पे, तो मेरे कई भाई बहनों ने कहा कि ये लौकी है, जिसे कि घिया भी कहा जाता है कई जगहों में, तो ये लौकी नहीं है, ये खीरा ही है। और इस खीरे की वैरायटी के बारे में पूछा था, तो मैं लौकी भी दिखाती हूँ पहले आपको कि लौकी कैसे होती है। तो लौकी, ये जो ये खीरे की बेल है, ये सब ये देख रहे हैं, और लौकी जो है वो ये है, मैंने ये ग्रो कर रखी हुई है। और इसकी पत्तियाँ देखो, ये पत्तियाँ अलग टाइप की होती हैं, ये लौकी होती है। और वाइट कलर के इसके जो ये फ्लावर्स निकल रहे हैं, ये लौकी की बेल है मेरी। और ये लौकियाँ लग रही हैं ऐसे, ये देखा। और ये खीरा है, ये तो ये आप देख रहे हैं। ये तो ये जो खीरा है, ये कौन सी वैरायटी का खीरा है? इस खीरे का जो नाम है वो, ये कूड़े कचरे पे मैंने लगा रखा हुआ है, जो जैसे खाद वगैरह मैं बनाती हूँ ना, तो कूड़े कचरे नीचे खाद बनती है, किचन वेस्ट मटेरियल डाल के, और ऊपर मैं उपजाऊ मिट्टी डाल के बेल लगा देती हूँ। तो इसी पे ये मेरा ये लग रहा है। ये देखिए, ये बेल तो अलग पत्तियाँ हैं ना, और लौकी की अलग ये आ रही हैं, ये पत्तियाँ, और लौकी की ये आ रही हैं, ये पत्ते लौकी के हैं और ये खीरे के हैं इसी बेल के। तो ये दोनों फ़र्क आपने समझ लिया होगा, ये लौकी के हैं और ये इसके हैं। ये देखा आपने, ये आ गया होगा फ़र्क, महसूस किया होगा कि किस तरह के होते हैं। और एक और जो ये बेल है मेरे यहाँ, ये स्नेक गॉड की लगी हुई है, ये इसके अलग तरह से पत्तियाँ होती हैं। तो ये जो है, ये क्रिस्टल एप्पल कुकुम्बर है। तो जो खीरे आमतौर पे जो होते हैं वेजिटेबल में नहीं आते हैं, वो फ्रूट में आते हैं। और ये मेलन के जो काफ़ी क्लोज है ये, और टेस्ट वगैरह जो भी है इसका, वैसे दूसरे खीरे की तरह ही होता है, बस राउंड शेप में होता है ये। और इसकी इसमें और ये फ़र्क होता है कि इसकी जो स्किन होती है बहुत ही पतली होती है, और इसे स्किन के साथ ही आप खा सकते हैं, स्किन निकालने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इतना बड़ा, और बस इतना बड़ा हो जाए जब पोलिनेशन जैसे हो जाए, पोलिनेशन के बाद जैसे फ्रूट सेट हो जाता है, आम भाषा में बोलूँ मैं तो, जब हमारे फ्रूट सेट हो जाता है तो इसे 21 दिन के बाद तोड़ लेना चाहिए, वो जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। तो मेरे तो ये यहाँ, मैंने उस दिन वीडियो जब बनाया था तो यहाँ से पत्तियाँ, ये पत्ते मैंने कट कर दिए थे, तो ये छुपा हुआ था। खैर, गिलहरियों को ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होती है। तो मैंने जो सब्जी वाला बैग है, कभी तो वो काम कर जाते हैं और कभी नहीं भी करते हैं, तो सब्जी वाला बैग मैंने इस पे जो थोड़ा सा उसमें कट कर दिए थे ताकि हवा भी आती रहे, तो वो बांध दिया था। ये तो काम कर गया, और कई बारी नहीं भी, जैसे फिग मेरे खूब सारे लगे तो वो उसमें से ये कट करके, बैग कट करके ले गई। और जो छोटे छोटे थे तो वो, जैसे मैंने उन पे कुछ नहीं बांधा, वो चिड़ियाँ वगैरह ले गई। और सीज़न भर ये जो इसके फ्रूट हैं आते रहते हैं, और इसको जो है टाइम टाइम पे, जैसे फ्रूट बड़ा होता है तो इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, और बाकी जो फ्रूट हैं फिर वो साथ के साथ लगते रहते हैं। तो अब मैं इसे आज हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो ये है क्रिस्टल एप्पल कुकुम्बर, ये देखिए। तो ये एक कूड़े कचरे वाली जो टैंकी, ये देख रहे हैं मेरे, इसमें खाद बन रहा है नीचे, इसमें हमेशा मैं बनाती हूँ, कूड़ा कचरा इकट्ठा करके नीचे डालती हूँ किचन का वेस्ट, और ऊपर फिर उपजाऊ मिट्टी डाल के कुछ भी लगा देती हूँ। इसमें मैंने खूब सारी, एक बारी मैंने चेरी टमाटोज इस पे लगाए थे, खूब अच्छे से हुए थे। और फिर मैंने कई बारी शलगम, मूलिये, मूंगरे खूब इसमें तैयार हुए। तो अभी अरबी के पत्ते भी, जैसे मैंने इसमें ऐसे गांठ लगा दी थी तो हुए हैं, तो वो भी, ये कुछ भी मतलब ऐसे चल जाता है, तो दो काम हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा, जब ये हथेली के ऐसे साइज़ का हो जाए तो तोड़ लेना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं तो फिर इसमें कड़वापन भी आ सकता है। तो ये चीज़ है। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे खीरे और ये जो आप देख रहे हैं, ये है घीये मेरे यहाँ लगे हैं, जिनको कि लौकी भी कहा जाता है, ये है वो, और उसकी बेल अलग सी होती है। और सुबह सुबह का टाइम है तो ये देखिए फ्लावर ये खिलना स्टार्ट हो गया, ये अभी एक खिल रहा है, खिला नहीं है। और ये बीच में धूप आ रही है, बीच में बादल आ रही है, कितने सारे फूल मेरे यहाँ, कल तो इसमें दो खिले हुए थे, बहुत सारे फूल ढेरों खिलते रहते हैं। और ये टब में भी, ये कल भी इसमें खिला था और आज भी, ये देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं ये फूल।
बाकी इस खीरे का जो टेस्ट है पूरा दूसरे खीरे की तरह ही होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मेरे ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो अब आपको, जिन मेरे बहन भाइयों को इस वैरायटी के बारे में पता नहीं है, तो वो सर्च कर सकते हैं और जब सीज़न आता है खीरे लगाने का तो आप फिर इसे ग्रो कर सकते हैं। और मैंने इस जो कुकुम्बर को हार्वेस्ट कर लिया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ऐसे बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरे गार्डन का क्रिस्टल एप्पल कुकुम्बर। नमस्ते जी, शुक्रिया। मैंने सोचा कि आपको कट करके भी बता दूं, और मैंने इसका टेस्ट किया है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए इसके सीड इस तरह से, इतने बड़े बड़े पीस, और मैंने दो पीस इसके खा भी लिए हैं। तो ये जो खाने की प्लेट है नॉर्मल साइज़ की, ना छोटी है, मतलब जितने साइज़ की होती है, फुल साइज़ है इसका। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े पीस, पूरी प्लेट ही भर गई थी। तो दो पीस मैंने जो यहाँ रखे थे वो मैंने खा लिए हैं। तो इस तरह से ये कटा है। तो फिर भी ये अभी कितना बड़ा है, कितने साइज़ का है ये खीरा, तो ये देखा मैंने कहा चलो ये भी आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह के इसके सीड निकलते हैं। और बहुत ही अच्छा टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि बड़े साइज़ का हो जाए, और वो कड़वा बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, और अच्छे साइज़ का बढ़िया। तो इतने साइज़ का हो जाए तो आप कट कर सकते हैं इसे। इस तरह से ये सीड निकले हैं इनके। तो मेरा ख्याल है अब आपने देख लिया होगा, कट करके भी मैंने दिखा दिया कितने बड़े बड़े पीस होते हैं। तो हाफ से ज़्यादा अभी ये पड़ा है ऐसे। तो ये रहा क्रिस्टल कुकुम्बर, क्रिस्टल एप्पल कुकुम्बर पूरा नाम जो इसका, एप्पल तो बोला, ये तो बहुत बड़े साइज़ का है।